हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज़ पायल कश्यप। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका बच्चा न्यूली बॉर्न होता है तो उसी समय से आप सोचने लगते हैं कि अब बच्चे की मसाज स्टार्ट करनी है। और मसाज का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि कौन सा ऑयल हम अपने बच्चे के लिए लगाएं जिससे कि उनको प्रॉपर पोषक तत्व यानी कि प्रॉपर फ़ायदा उन्हें मिले उस तेल से। तो आपके दिमाग में यही आता है कि ऑयल कौन सा यूज़ करें, नारियल का तेल यूज़ करें, जैतून का तेल यूज़ करें, सरसों का ऑयल यूज़ करें, या बादाम का तेल, या जो भी ऑयल है उसे यूज़ करें। तो आपको इस वीडियो में मैं आज ये शेयर करने वाली हूँ कि इन सारे ऑयल में जो मसाज के लिए, अगर आप बच्चे के मसाज के लिए ऑयल सेलेक्ट करती हैं, तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपने दोनों बच्चों पर अप्लाई किया है और जो एक्सपीरियंस रहा है, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने अपने बच्चों पर जो एक्सपीरियंस अच्छा शेयर, जो अच्छा देखा है, वही आपके साथ शेयर इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने अपने बच्चे पर बहुत सारे तेल ट्राई किए थे और उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पली। मैंने अपने बच्चे पर डाबर लाल तेल इस्तेमाल किया था जिसके कारण बच्चे का रंग डल हो गया था। सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया जिससे मेरे बच्चे को रैशेज हो गए, कलर डार्क होने लगा था, रेड रेड रैशेज होने लगे थे मेरे बच्चे को। ये दोनों ही तेल सूट नहीं किए। फिर मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया और जो है जैतून का, फिगारो का जैतून का ऑयल यूज़ किया, जो कि बच्चों के लिए बेस्ट ऑयल है। मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आज की ये वीडियो मैं जैतून के तेल के लिए अपना नॉलेज शेयर करना चाहूँगी और पूरी डिटेल बताऊँगी कि क्या वो आपके बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं है, आपको इस ऑयल से मसाज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ऑयलिंग इसको कान या नाक में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इससे बच्चे का कलर फेयर होता है या नहीं होता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आज आपको दूंगी, क्योंकि ये ऑयल जिस तरीके से मेरे बच्चे के लिए सूट किया, हो सकता है कि आपके लिए ना सूटेबल हो, आपके बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो जाए। तो फुल डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चे के लिए फिगारो ऑयल सेलेक्ट करें तो ओरिजिनल वाला ही आप सेलेक्ट करें, जो इस तरीके के 10 कंटेनर में आता है। हम अपने बच्चे के लिए यही वाला यूज़ करते हैं और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वाला ऑयल होता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें आपको बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर जो होता है वो कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी इसमें क्वालिटियाँ होती हैं जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आपके बच्चे के लिए ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है। मैंने ऑलरेडी जो फिगारो ऑयल पर वीडियो बना रखी है, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में उसमें पूरी अपनी नॉलेज शेयर की है। आप उस वीडियो को जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपके बच्चे के लिए मसाज के लिए ये ऑयल ठीक है या नहीं है। तो भाई मेरे लिए, तो मेरे बच्चे के लिए ये ऑयल बहुत ही सूटेबल रहा है और लगभग 99% बच्चे को ये ऑयल सूट करता है। बट आपके बच्चे के लिए हो सकता है, कुछ बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है तो हो सकता है कि उन्हें ये ऑयल सूट ना करे, अदरवाइज़ लगभग सारे बच्चों को ये ऑयल सूट करता ही करता है। आप इसको ज़्यादातर सर्दी के मौसम में यूज़ कीजिए, गर्मी के मौसम में आप इसको मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये गर्म होता है। अगर मसाज की बात करें तो बच्चे को इसको लगा करके काफ़ी देर तक मत छोड़िए। मतलब कि आपने मसाज किया तो कम से कम आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद बच्चे को नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा गर्म पानी से ही बच्चे को, मतलब हल्के गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाएं। इसको लगाने का जो तरीका है उसमें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप जितनी मात्रा में इस ऑलिव ऑयल को निकालें, उतनी ही मात्रा में इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिक्स करके तब बच्चे को लगाएं। अदरवाइज़ अगर आप गुनगुना पानी नहीं भी मिक्स करती तो हल्का सा सर्दियों के मौसम में इसको हल्का सा गुनगुना करके तभी बच्चे को इसको बॉडी पे मसाज दें। बच्चे को मसाज भी प्रॉपर वे में दीजिए जैसा आप मसाज करते आए हैं। इसमें ये नहीं कि इसके लिए कोई अलग मसाज का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर तरीके से आपके बच्चे के लिए सेफ होगा। मगर आपके बच्चे को सबसे पहले आपको ये देखना, हाथ पैर में लगा करके इसको चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं है। अदरवाइज अगर लगाने से आपके बच्चे को रेड रैशेस टाइप की हो जाते हैं तो आप इसको मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव हो, आपके बच्चे को ये सूट ना करें।
तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और किस किस चीज़ में इस ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बच्चे के सर में क्रेडल कैप हो गया है, यानी कि आप कभी कभी देखेंगे बच्चे के सर में एक पीली पपड़ी सी, कुछ डैंड्रफ टाइप का आपको दिखेगा, एक्चुअल में वो डैंड्रफ नहीं होता है, उसे क्रेडल कैप कहते हैं। वो एक थिक सी लेयर बन जाती है, किसी में येलो पपड़ी टाइप की होती है, किसी में वाइट पपड़ी टाइप की होती है, तो इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगी कि आपको क्रेडल कैप कैसे रिमूव करना है घरेलू तरीके से। बट जो ये जैतून का तेल है ना, ये से भी उस क्रेडल कैप को रिमूव किया जा सकता है। इसको करना क्या है, बस जब भी आप मसाज करें तो उस टाइम पे सर पे बच्चे के थोड़ा सा जिस जगह पे वो, जिस एरिया में वो क्रेडल कैप है, वहाँ लगा के आपको सिर्फ हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। और जब भी बच्चे का सिर धुलाना हो तभी आप इसको ऑयल को सर पे लगाएं, अदरवाइज बहुत गर्म होता है ये, तो इसकी तासीर गर्म होती है, तो बच्चे के सर पे लगाने से हो सकता है कि बच्चे को नुकसान कर जाए। अदरवाइज गर्मियों के मौसम में आप इसको ट्राई मत कीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट फ़ायदा इस ऑयल का ये है कि जब भी आप हल्का गुनगुना करके इससे मसाज देते हैं बच्चे को, तो बच्चे को नींद की प्रॉब्लम नहीं होती, नींद प्रॉपर आती है बच्चे को, उसकी जो थकान वगैरह होती है, जो स्ट्रेस वगैरह होती है बराबर बेड पे लेटे लेटे, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। फिर नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि इससे मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत फास्टली होता है, तो इसलिए इस ऑयल को जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बच्चे के अगर बाल बहुत ज़्यादा कम है ना, तो इस ऑयल से अगर मसाज देते हैं सर में, हेड मसाज देते हैं, तो बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है, तो इस ऑयल को हेयर में लगाने से, बट इसको बहुत ही लिमिट मात्रा में लगाना है और बहुत ही कम टाइम के लिए लगाना है, यानी कि जब भी आपको हेयर वॉश करना हो उसके हाफ एन आवर पहले ही लगाइए, उसके आधे घंटे बाद आपको इस ऑयल को रिमूव कर देना है, अदरवाइज बच्चे को संक्रमण यानी बैक्टीरिया वगैरह, बच्चा छोटा होता है ना तो उस समय बच्चे को प्रॉपर संक्रमण वगैरह से जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाना जरूरी है, तो इसलिए बहुत ही कम मात्रा में आपको लगाना है और बहुत ही जल्दी हाफ एन आवर में ही उसको धो देना है ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, गंदगी वगैरह ना पनपे। फिर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कान और जो नाक होते हैं उसमें इस ऑयल को डालना चाहिए कि नहीं, तो वैज्ञानिक शोध में अभी कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ कि ये आपके कान और नाक में डालने के लिए सेफ़ है, तो अदरवाइज़ इसलिए अभी इसको कभी भी आप नाक और कान में बिल्कुल भी मत डालिए, सिर्फ बॉडी मसाज दीजिए, हेड मसाज दीजिए और मसाज के तुरंत आधे घंटे बाद बच्चे को वॉश करा दीजिए, नहला दीजिए हल्के गुनगुने पानी से। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर बच्चे को डायपर रैशेस हो रहे हैं तो ये ऑयल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। जब भी डायपर रैश हो जाए ना, तो आप सबसे पहले तो खुले उसमें छोड़िए बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा हवा के कांटेक्ट में रखिए, फिर उसके बाद इस ऑयल को लगाइए, तो जो रैशेज़ हैं बहुत जल्दी सही हो जाने के चांसेस होते हैं। ये मैंने अपने बच्चे पर ट्राई किया है, अदरवाइज़ कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ करते हैं डायपर रैशेज़ के लिए तो वो भी बेस्ट होता है, वरना जैतून का तेल भी डायपर रैश के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि बच्चे का वजन बढ़ाने में और हड्डियों को मजबूती देने में ये तेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तेल की सबसे ज़्यादा खास पॉइंट मैं बता रही हूँ दोस्तों, कि अगर आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है और बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा कम है, तो बच्चे का वज़न गेन करने में ये तेल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि मॉइस्चराइज़र के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑयल होता है। अगर बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो इस ऑयल के इस्तेमाल से बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, फ्लॉलेस लगेगी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि बच्चे का गोरा होना ज़रूरी नहीं है, बच्चे की स्किन हेल्दी होना ज़रूरी है। बच्चे की स्किन पर पिम्पल्स वगैरह ना हो, ड्राइनेस ना हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे की स्किन फ्लॉलेस ग्लोइंग लगेगी ना, तो वो ऑलरेडी बच्चा बहुत ही प्यारा और सुंदर लगेगा, उसके लिए आपको गोरा होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इस ऑयल की मदद से आप बच्चे की स्किन को बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग बना सकती हैं, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग ऑयल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ऑयल के मसाज से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बच्चे की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे, पूरे जगह प्रॉपर पोषक तत्व पहुँचते रहें, तो इसके लिए प्रॉपर
ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे की स्किन हेल्दी बनी रहे, स्किन ग्लोइंग बने, अच्छी बने, इसके लिए जो खून का दौड़ान है वो होना ज़रूरी है। तो इस ऑयल की मदद से ना बच्चे की जो इस ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है। के अलावा दोस्तों, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम आपके बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है जाड़े के दिनों में, तो अगर आप इस फिगारो ऑयल से मसाज देते हैं जब भी, तो बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो इससे बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर इनकेस हो भी गई है सर्दी जुकाम, तो वो सही बहुत जल्दी कर देता है, कवरअप बहुत जल्दी कर देता है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक को देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ के बारे में फुल डिटेल से अपनी नॉलेज शेयर की है। और इसके अलावा मैंने फिगारो ऑयल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने फिगारो ऑयल के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में फुल डिटेल अपनी नॉलेज शेयर की है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर जा सकते हैं। और आगे मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन के साथ, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे।